वेलकम टू माई YouTube चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। तो आज हम क्लास 7 का हिली एरियाज का कंप्यूटर के सब्जेक्ट कंप्यूटर की MCQs मल्टीपल चॉइस देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट ब्लैंक दे रहा है आपको, लिविंग इन अ डिजिटल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व, तो आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास ये, यूजिंग टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबली एंड सेफ्टी। नेक्स्ट आपके पास जो ब्लैंक दे रहा है मल्टीपल चॉइस MCQs, द पर्पज ऑफ स्लाइड शॉर्टर व्यू इन अ पावर पॉइंट इज टू अरेंज स्लाइड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये अरेंज करता है पहली स्लाइड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबरिंग के हिसाब से। थर्ड देखते हैं MCQs, द टर्म दैट रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज, स्मॉलेस्ट यूनिट किलोबाइट, मेगाबाइट या बिट या गीगाबाइट होता है। तो इसका आंसर बिट होता है, बाइट हमेशा बिट से बड़ी होती है। नेक्स्ट है, अ कॉमन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन कॉन्टेंट क्रिएशन वेयर इंडिविजुअल शेयर्स देयर थाट्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो आपका ब्लॉग्स आता है, इसमें आप अपने पर्सनल लाइफ स्टाइल, अपना फूड के बारे में, अपने ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह बताते हैं। आपके पास MCQs है, द एरिया बिटवीन स्टार्ट मेन्यू एंड आइकन, स्टार्ट मेन्यू और आइकन के दरमियान जो एरिया होता है उसका आंसर होता है आपके पास टास्क बार। डिज़ाइन थिंकिंग बेनिफिट एंटरप्रेन्योर बाय, इसका आंसर होता है प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर एंड अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है आपके पास, टोटल वर्ड इन सी लैंग्वेज या सी प्रोग्राम आप कहता है, तो उसमें आपके टोटल वर्ड्स होते हैं वो 32 होते हैं। नेक्स्ट MCQs है, अ टूल ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशन और इंटरनेट, इसका होता है कि ज़्यादातर जो रियल टाइम पे चल रहा होते हैं वो मैसेजिंग चल रहे होते हैं, लोग ज़्यादा इसको चैट के लिए इस्तेमाल। नंबर 9 MCQs में आपसे कह रहा है, द टैब विच इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ स्प्रेड इन स्क्रैचेस। अब देखिए, ये दो MCQs इन्होंने बना दिए, मैंने हिंट्स के तौर पे लिखा है। देखिए, मोशन ब्लॉक जो कहता है वो कंट्रोल मूवमेंट करता है, यहाँ पे पहले जो आपको बोल रहा है वो कंट्रोल मूवमेंट बोल रहा है, सेकंड में क्या बोल रहा है, अपेयरेंस ऑफ अ स्प्रेड। जब भी अपेयरेंस या चेंज अपेयरेंस होता है तो वो लुक्स ब्लॉक होता है, लेकिन ये इस तरह के MCQs कंट्रोल मूवमेंट के हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए था मोशन, और दोनों के हिसाब से होता तो फिर दोनों कंबाइन करके देता। नेक्स्ट ब्लैंक पे चलते हैं, डिफॉल्ट पेज मार्जिन इन MS वर्ल्ड के क्या साइज़ होता है, तो इसका साइज़ होता है 2.54 inches। अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज टू क्रिएट एंड शेयर अ विजुअल स्टोरी फॉर्म अ डिजिटल फोटोज एंड वीडियो इज डैश, ये होता है कैनवा, आंसर आपका। नेक्स्ट, एंड ऑफ एन इंटीग्रेटेड डिवेलपमेंट, यानी कि IDE इंटीग्रेटेड डिवेलपमेंट क्या होता है, वो कंपाइलर होता है। द वेरिएबल आर यूज इन प्रोग्रामिंग टू स्टोर एंड मैनिपुलेटेड डेटा इन द प्रोग्राम, द रेंज ऑफ Y कोऑर्डिनेट जो होती है 180 to 180 होती है। नेक्स्ट है, डेसिमल ऑफ करेक्टर ए इज, तो डेसिमल ऑफ करेक्टर ए जो होता है वो 65 होता है। आई होप आपको ये MCQs अच्छे से समझ में आएंगे। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।